फिर वे कारीगर क्या करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो मनुष्य विद्वानों की शिक्षा के अनुकूल अग्नि जल के प्रयोग से युक्त यानों पर स्थित होके राजा प्रजा के व्यवहार की सिद्धि के लिए समुद्र के छोर तक जावें आवें तो बहुत उत्तमोत्तम धन को प्राप्त होवें, इस विषय का उत्तर अगले मंत्र में दिया है। भावार्थ, हे सवारी पर चलने वाले मनुष्यों, तुम दिशाओं के जानने वाले चुंबक ध्रुव यंत्र और सूर्यादि कारण से दिशाओं को जान यानों को चलाया और ठहराया भी करो, जिससे भ्रांति में पड़कर अन्यत्र गमन न करो, अर्थात जहाँ जाना चाहते हो ठीक वहीं पहुँचो, भटकना न हो। फिर उस उत्तर का उपदेश अगले मंत्र में दिया है। भावार्थ, मनुष्यों को उचित है कि सर्वत्र आने जाने के लिए सीधे और शुद्ध मार्गों को रच और विमानादि यानों से इच्छा पूर्वक गमन करके नाना प्रकार के सुखों को प्राप्त करें। फिर सभा और सेनापति अश्वियों से क्या पाना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, कोई भी विद्वानों से शिक्षा व क्रिया को ग्रहण किए बिना सब सुखों को प्राप्त नहीं हो सकता, इससे उसका खोज नित्य करना चाहिए। फिर वे अश्विनों कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, हे मनुष्यों, तुम जिस प्रकार परोपकारी मनुष्य प्राणियों के निवास और विद्या प्रकाश के दान से सुखों को प्राप्त कराते हैं, वैसे तुम भी उनको बहुत सुख प्राप्त कराओ। इन अश्विनों से क्या प्राप्त करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, राजा प्रजा जनों को चाहिए कि परस्पर प्रीति से बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त करके सदा सबके उपकार में यत्न किया करें। फिर वे अश्विनों, हम लोगों के लिए क्या क्या करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो सभा और सेनापति आदि राज पुरुष प्रीति और विनय से प्रजा की पालन करें तो प्रजा भी उनकी रक्षा अच्छे प्रकार करें, इस सूक्त में उषा और अश्वियों का प्रत्यक्षार्थ वर्णन किया है। इससे इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 35वां वर्ग, 46वां सूक्त और 3रा अध्याय समाप्त हुआ। अथ चतुर्थाध्यायारम्भः। इसके आगे चौथे अध्याय के भाष्य का आरंभ है। उसके पहले मंत्र में अश्वियों से क्या सिद्ध करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है। भावार्थ, सभा के अध्यक्ष आदि सदा औषधियों के सेवन से अच्छे प्रकार बलवान होकर प्रजा की शोभाओं को बढ़ावें। उनसे सिद्ध किए हुए यानों से क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, यहाँ वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य को योग्य है कि विद्वानों के संग से पदार्थ विज्ञान पूर्वक यज्ञ और शिल्प विद्या के हस्तक्रिया को साक्षात करके व्यवहार कार्यों को सिद्ध करें। फिर वे कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, यहाँ वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे वायु से सूर्य चंद्रमा की पुष्टि और अंधेरे का नाश होता है, वैसे ही सेना के पतियों से प्रजास्थ प्राणियों की संतुष्टि, दुखों का नाश और धन की वृद्धि होती है। भावार्थ, जो मनुष्य लोग विद्वानों से विद्या सीख यान रच और उसमें जल आदि युक्त करके शीघ्र जाने आने के लिए समर्थ होते हैं, वैसे अन्य उपाय से नहीं, इसलिए उसमें परिश्रम अवश्य करें। फिर वे क्या करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, सभा और सेना के पति राजपुरुष जैसे अपने ऐश्वर्य की रक्षा करें, वैसे ही प्रजा और सेनाओं की रक्षा सदा किया करें। यहाँ पहला वर्ग समाप्त हुआ। फिर वे कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, राज पुरुषों को योग्य है कि सेना और प्रजा के अर्थ नाना प्रकार का धन और समुद्रादि के पार जाने के लिए विमान आदि यान रचकर सब प्रकार सुख की उन्नति करें। फिर वे क्या करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है।
भावार्थ राजसभा के पति जिस सवारी से अंतरिक्ष मार्ग से देशांतर जाने में समर्थ होवें उसको प्रयत्न से बनावें। फिर वह किस हेतु वाले हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ राजा और प्रजाजनों को चाहिए कि आपस में उत्तम पदार्थों को ले देकर सुखी हों। फिर वे क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ राजपुरुष जैसे अपने हित के लिए प्रयत्न करते हैं उसी प्रकार प्रजा के सुख के लिए भी प्रयत्न करें। फिर उनके प्रति प्रजाजन क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ राज प्रजाजनों को चाहिए कि विद्वानों की सभा में जाकर नित्य उपदेश सुने जिससे सब करने और न करने योग्य विषयों का बोध हो। यहाँ राजा और प्रजा के धर्म का वर्णन होने से इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगत जाननी चाहिए। यह दूसरा वर्ग और 47वां सुक्त समाप्त हुआ। अब 48वें सुक्त का आरंभ है। उसके पहले मंत्र में उषा के समान पुत्रियों के गुण होने चाहिए इस विषय का उपदेश किया है। भावार्थ यहाँ वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे कोई स्वामी भृत्य को वा भृत्य स्वामी को सचेत कर व्यवहारों में प्रेरणा करता है और जैसे उषा अर्थात प्रातः काल की वेला प्राणियों को पुरुषार्थ युक्त कर बड़े बड़े पदार्थ समूह वा सुख से युक्त कर आनंदित तथा सायंकाल में सब व्यवहारों से निवृत्त कर आरामस्थ करती है, वैसे ही माता पिता विद्या और अच्छी शिक्षा आदि व्यवहारों से अपनी कन्याओं को प्रेरणा करें। फिर वह उषा कैसी और क्या करती है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे अच्छी शोभायान उषा सब प्राणियों को सुख देती है वैसे स्त्रियां अपने पतियों को निरंतर सुख दिया करें। फिर वह कैसी हों इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जिसको अपने समान विदुषी और सर्वथा अनुकूल स्त्री मिलती है वह सुख को प्राप्त होता है और नहीं। जो प्रभात समय में योगाभ्यास करते हैं वे किसको प्राप्त होते हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ जो मनुष्य एकांत पवित्र निरुपद्रव देश में स्थित होकर यमादि संयमांत उपासना के 9 अंगों का अभ्यास करते हैं वे निर्मल आत्मा होकर ज्ञानी आप्त और सिद्ध होते हैं और जो इनका संग और सेवा करते हैं वे भी शुद्ध अंतःकरण होके आत्मयोग के जानने के अधिकारी होते हैं। फिर वह उषा क्या करती है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ जैसे प्रातः काल की वेला निर्मल तथा सब प्रकार के सुख की देने वाली योगाभ्यास का कारण है उसी प्रकार स्त्रियों को होना चाहिए। फिर वह कैसी हों इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे स्त्रियां व्यवहार से अपने पदार्थों को प्राप्त होती हैं वैसे उषा अपने प्रकाश से अधिकार को प्राप्त होती है। जैसे वह दिन को उत्पन्न और सब प्राणियों को उठाकर अपने अपने व्यवहार में प्रवर्तमान कर रात्रि को निवृत्त करती और दिन के होने से दाह को भी उत्पन्न करती है वैसे ही सब स्त्रियों को भी होना चाहिए। फिर उषा के समान स्त्रियां हों इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ जैसे पतिव्रता स्त्रियां नियम से अपने पतियों की सेवा करती हैं जैसे उषा से सब पदार्थों का दूर देश से संयोग होता है वैसे दूरस्थ कन्या पुत्रों का युवा अवस्था में स्वयंवर विवाह करना चाहिए जिससे दूर देश में रहने वाले मनुष्यों से प्रीति बढ़े। जैसे निकटस्थों का विवाह दुखदायक होता है वैसे ही दूरस्थों का विवाह आनंदप्रद होता है। फिर वह कैसी हो इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा